गद्दारी करता है उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। चंबल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कृषि ना के बराबर होती है। मिट्टी की निरंतर बारिश के समय कटाव होते रहती है, जिससे उपजाऊ क्षेत्र बंजर और बीहड़ में परिवर्तित हो जाता है। मिट्टी का कटाव इस स्तर पर होता है कि यहाँ के गांव हमेशा एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। लोगों की गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उनका आदेश हुआ कि चंबल में शांति कायम करने के सभी उपाय हों। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख के एफ रुस्तम ने इसकी जड़ों को तलाशने की कोशिश की। बेहतरीन अधिकारी तैनात हुए और तमाम डाकू मारे गए। आचार्य विनोबा भावे और जेपी ने भी डाकुओं का हृदय परिवर्तन की कोशिश की। सालों के अंतराल पर और खतरनाक गिरोह उभरते रहे। दयाराम बाबूराम गड़ेरिया गिरोह पर चंबल को 14 लाख का इनाम रखना पड़ा। नई प्यार और बहुत सी कोशिशों ने आखिर चंबल को डाकू गिरोहों से मुक्त कर दिया। बीहड़ों के बीच से बहती चंबल नदी, जो भारत की अन्य नदियों से सबसे स्वच्छ और साफ सुथरी नदी है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी को शापित नदी माना जाता है, परंतु शापित होने के बावजूद यह सबसे स्वच्छ और साफ सुथरी नदी है। विभिन्न जलीय जीव जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ और अनेकों पक्षी इस नदी में प्रवास करते हैं। आपराधिक गतिविधियों और डाकुओं एवं बागियों की बातों से दूर चंबल के बीहड़ की एक अलग ही खूबसूरती है।